रविदास जी संत श्रोमणी रविदास जी के यहाँ कर लो आज इस पावन अवसर तमाम प्रदेशवासियों शुभकामनाएं और एक खुशी की बात इस पावन अवसर पर हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया 5 एकड़ जमीन पर विशाल रविदास मंदिर बनाया जाएगा जो कि दोनों संगठनों ने मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 100 दिन पूरे होने पर एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का। मैं मानता हूं कि धर्म नगरी के अंदर ऐसे संत महात्माओं का समाज सुधार में जिसका एक अहम योगदान रहा है आज उनको एक ऐतिहासिक जगह देने का निर्णय अपने आप में पूरे प्रदेश भर के अंदर आज के इस पावन अवसर खुशी की लहर लेकर 100 दिन कैसे देखते सक्सेसफुल मानता हूँ। सक्सेसफुल एक ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट हुई है जिसने प्रदेश को एक नए राह पर ले जाने का काम किया। ग्राम पंचायतों से ग्राम सभाओं को अधिकार मिला और उससे 872 704 से भी बढ़ गई 872 ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभाओं ने लिखित में दिया है कि आगे वापस लेकर बैठने होंगे। और इसी प्रकार से चाहे वो ट्रांसपोर्ट के अंदर नई बसों के जुड़ने की बात हो चाहे वो माइनिंग सेक्टर के अंदर कानून लाकर इलीगल माइनिंग पर नकेल कसने की बात हो शराब तस्करी पर नकेल कसने की बात हो हर प्रकार से प्रदेश को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाना। अमित सिंह जी ने कहा कि सोच से जा लेंगे अगर मैं कहता हूँ कि शराब तस्करी को रोकने के लिए हम कानून ला रहे हैं नशा तस्करी को रोकने के लिए नॉन अवेलेबल 6 महीने का कानून ला रहे हैं तो फिर मुझे लगता है हमारी सरकार का ये निर्णय है कि ऐसे लोगों पर हम नकेल कसने का काम करें। झूठ बोला है मेरे हाथ आपकी जेब में भी रखते हैं रखते हैं पूछने का तो काम करो कौन किसकी जेब से क्या माल लेकर गया है। हम तो वो लोग हैं जो सरकार की अगर जेब में कोई हाथ डालकर लूटने का भी काम करें उसको भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी का एक बड़ा उपलब्धि मैं कहता हूँ कि 2 बार पैडी की जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसके अंदर ये साबित हो गया जो सालों से अगर गड़बड़ियाँ चल रही थी पैडी परचेज के अंदर तो पहली कदम से सरकार ने और खासतौर पर मेरे डिपार्टमेंट ने मजबूती से निर्णय लेकर उसको रोका और इतिहास में पहली बार हुआ है कि स्टॉक आने पे ही हमने उसको 1% से कम क्वांटिटी में रोक लिया। नहीं तो ऐसे ऐसे टाइम रहे हैं जब 4-5% स्टॉक खत्म होने के बाद भी लॉस दिखाया जाता तो अपने आप ये सरकार सीरियस है इस तरह की गतिविधियों को रोकने का काम। अभय सिंह का कहना उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे थे मध्यवर्ती चुनाव की बात भी कह रहे थे क्या सक्सेसफुल 100 दिन आपको क्या हमारी सरकार ने 100 दिनों के अंदर इस गठबंधन में ऐतिहासिक निर्णय नहीं लिए। अगर ये सरकार इतनी मजबूती के साथ निर्णय ले सकती है हरियाणा के हित के लिए चाहे वो छात्रों के हो चाहे रोजगार के हो चाहे 250 रुपये बुढ़ापा पेंशन मिलाने की बात हो हर तरीके से सरकार का एक ही लक्ष्य एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाए। मैं तो ये मानता हूँ कि बदलाव के लिए दिल्ली की जनता ने वोट दिया जिस तरीके से 60% से कम पोलिंग हुई ये दिखाता है कि लोग बदलाव एक हुड्डा और शैलजा लगातार बयान दे रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी। कल शैलजा का बयान था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे उस दिन क्या कर रहे थे 100 दिन में सरकार गिर आज तो 105 दिन हो स्टेबल खड़ी और ये विश्वास हुड्डा साहब को दिला देना अगले 1500 दिन भी इसी तरह स्टेबिलिटी के साथ सक्षम युवाओं की सैलरी बढ़ाई जाएगी क्या वो लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। सक्षम को ऑलरेडी जब उसको रोजगार मिलता है तो 9000 रुपये दिए जाते हैं और वो कोई परमानेंट जॉब नहीं है 100 घंटे रोजगार के हमने रिलीफ दिया है कि अगर जिले के अंदर जिले के साथ लगते हुए दूसरे जिले के ब्लॉक के अंदर भी रोजगार उपलब्ध है तो सक्षम को वहाँ एम्प्लॉय करेंगे। ये तो एक अपॉर्चुनिटी है पर जो हमारा लेबर एक्ट आएगा जिसमें 75% रोजगार का अधिकार है इन सक्षम युवाओं को जो स्किल्ड है प्राइवेट इंडस्ट्री में हम मूव करने का काम करेंगे जिनको उनको परमानेंट रोजगार के साधन भी उपलब्ध है। मेरे डिपार्टमेंट लेबर ने इसको बनाया है इंडस्ट्री से स्किल डेवलपमेंट से और साथ में एम्प्लॉयमेंट
सलाह मशवरा जिसको हमने स्ट्रीम लाइन दी, तो इस एक्ट के अंदर एक प्रावधान डाला है कि जो भी सैलरी 50,000 से नीचे लेने वाले जॉब, ये बिल उनके अंदर ला गए। कई लोगों को ये चिंता थी कि हमें सारे कैडर को बदलना है, शुरुआत जिसको जो कोई नौकरी में बैठा है उसको हटाने का प्रावधान है। राज के बाद हरियाणा प्रदेश में जितनी भी नौकरियां निकली उसमें हरियाणा की हिस्सेदारी लाने का हम काम करें। बिल्कुल एक चीज जरूर गंभीरता से इस बिल के अंदर हम लागू करें, जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स जिनको हम कॉन्ट्रैक्चुअल ए और बी के तहत इम्प्लॉय करें उसके अंदर पूरी तौर पर हम लागू करेंगे। उसके अंदर कहीं भी हमारे प्रदेश के सक्षम युवाओं को हम एडजस्ट कर लेंगे, इसको आगे लेकर जाने के खेड़ इश्यू पर कुछ सर्वे 25 तारीख ड्रोन से सर्वे हो चुका है, जो माननीय हाईकोर्ट द्वारा इसका रिपोर्ट मांगी गई थी, डिपार्टमेंट इसकी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। अनूप जी का विभाग है वो इसको पर्सनली मॉनिटर भी कर रहे हैं और उनके साथ एक कैपेबल ऑफिसर खेमका जी लगे हुए हैं जिन्होंने पूरी गहराई के साथ इस मामले को निपटाने।